हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में सभी व्यूवर्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में 11 दिसंबर को कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए और उनके मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सा डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है कि सबसे विश्वसनीय प्रश्न क्या पूछे गए थे आज की सभी तरह की शिफ्ट में एमपी पटवारी परीक्षा में। सो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा राजस्थान। जो लोग फ्रेंड्स मेरी डेली जीके के अपडेट्स जिन लोगों ने फॉलो कर रखी है फ्रेंड्स, वो बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। मैंने फ्रेंड्स उसमें ये भी बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा। सो फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का होगा उत्तर प्रदेश। मांडू का रीवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और डैश की रोमांस की कहानियों से जुड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, डैश पर लिखा जाएगा रानी रूपमती। भारत का पहला टीवी धारावाहिक कौन सा था? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हम लोग। और ये फ्रेंड्स धारावाहिक को प्रदर्शित किया गया था दूरदर्शन चैनल पर, क्योंकि दूरदर्शन ही भारत का सबसे पहला चैनल था टीवी में। नीमच जिला किस राज्य में आता है? सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरा कल का एनालिसिस ध्यान से देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि गांधी सागर अभयारण्य जब दो भागों में डिवाइड हो जाता है चंबल नदी के द्वारा, सो फ्रेंड्स उसका एक हिस्सा पश्चिमी भाग में चला जाता है जो कि राजस्थान के नीमच जिले में चला जाता है, और दूसरा भाग फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में ही रह जाता है मंदसौर जिले में। सो फ्रेंड्स, हमारे एनालिसिस को आप लोग डेली फॉलो करें, हो सकता है आप लोग ऐसे ही दो चार क्वेश्चन शेयर सही कर ले जाएं वहां पर अपने एग्जाम में। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, पंडित कुंजी लाल दुबे थे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में गन फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जबलपुर। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ पर है? सो फ्रेंड्स, इसका भी आंसर होगा जबलपुर। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे पहला और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जीके पूछी जा रही है। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के भी अभी एग्जाम बचे हुए हैं वो जाकर एटलीस्ट मध्य प्रदेश के सभी जीके फैक्ट्स और स्टेटिक फैक्ट्स को कवर करें। हॉकी इंडिया लीग 2017 के शीर्षक प्रायोजक या फिर प्रायोजक कौन रहे? तो फ्रेंड्स, कोल इंडिया लिमिटेड रहा हॉकी इंडिया लीग 2017 का प्रायोजक, और इसी कारण से 2017 हॉकी इंडिया लीग को कोल इंडिया हॉकी लीग भी कहा गया है। गोलकुंडा राजवंश की स्थापना की थी फ्रेंड्स कुली कुतुब शाह ने, और टीकमगढ़ में कुंड महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कुंडेश्वर। हिंडोला और जहाज महल कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मांडू। कौन सा देश 30 अक्टूबर 2017 को आईसीसी ओडीआई क्रिकेट में पहले स्थान पर रहा? सो फ्रेंड्स, ये बहुत ऑब्स्कोर क्वेश्चन है, कभी ऐसा पूछा नहीं जाता है स्पेसिफिक डेट देकर कि किस देश की रैंकिंग क्या रही, क्योंकि ये हर पल यानी कि हर दिन हर हफ्ते चेंज होती रहती है। सो फ्रेंड्स, इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर मुझे तो इंडिया लग रहा है, कुछ लोग साउथ अफ्रीका भी बता रहे हैं। सो क्या हो सकता है इसका आंसर, आप लोग मुझे लिख करके बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत छल वनारक्षित है या फिर वन से या फिर जंगलों से घिरा हुआ है? सो फ्रेंड्स, 30% लगभग हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। अब वहाँ पर ऑप्शन क्या थे, एग्जैक्ट 30 था या 30 पॉइंट समथिंग था या 29 कुछ ऐसा करके क्या था, आप लोग मुझे लिख करके बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सौभाग्य योजना का लक्ष्य क्या है? तो फ्रेंड, 2019 तक भारत के घरों में बिजली हो, यही सौभाग्य योजना का लक्ष्य है। और रेड क्रॉस डे हम लोग मनाते हैं 8 मई को हर साल। प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था फ्रेंड्स लागू की गई थी राजस्थान में, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पुलिस परीक्षाओं के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में। चोर शब्द का विलोम फ्रेंड्स पूछा गया तो साहूकार होता है चोर का विलोम शब्द। अग्रज शब्द का विलोम होता है फ्रेंड्स अनुज, अग्रज का मतलब होता है फ्रेंड्स बड़ा भाई और अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। महाराणा प्रताप पर फ्रेंड्स एक प्रश्न पूछा गया था, वो हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। सो फ्रेंड्स, आप लोग बता सकते हो कमेंट में कि क्या प्रश्न था और उसके आंसर क्या होगा। सीडी का फ्रेंड्स एक्रोनिम का फुल फॉर्म बताएं तो इसका आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली अमिट शाही कहाँ पर बनती है? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मैसूर में बनती है, कर्नाटक में। केवल एक ही फैक्ट्री है फ्रेंड्स, मैसूर पेंट एंड वार्निश इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही बनाई जाती है, एकमात्र फैक्ट्री है जहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट स्याही का प्रयोग मतलब बनती है, और वहीं से पूरे चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है उसका, और इसके अलावा इसकी कोई भी फैक्ट्री नहीं है। और इसका सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था लोकसभा चुनावों में जो कंडक्ट कराए गए थे 1962 में। सो फ्रेंड्स, स्याही से रिलेटेड मैंने और भी इन्फॉर्मेशन दे दी, हो सकता है अगले चरण में अगली शिफ्ट में ये पूछा जाए आपके एग्जाम में। अंबर के समानार्थी बताना है, सिनोनिम बताना है अंबर के। सो फ्रेंड्स, मुझे तो केवल दो ही आते हैं, आकाश हो जाएगा इसका
और आसमान हो जाएगा। अब पेपर में क्या पूछा गया था ये आप लोगों को बेहतर पता होगा। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो फ्रेंड्स इस समय चेयरमैन है डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला। ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 1982। वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री हैं फ्रेंड्स नरेंद्र सिंह तोमर, और ध्यान रखिए फ्रेंड्स ये खनन मंत्री भी हैं। लाल मिर्च का उत्पादक प्रदेश सबसे अधिक है मिजोरम में। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन वहीं पर होता है मिजोरम में। मनरेगा के जॉब कार्ड का कार्यकाल या फिर वैलिडिटी कहा जाए तो कितनी होती है? सो फ्रेंड्स 5 साल वैलिडिटी होती है मनरेगा के जॉब कार्ड की, उसके बाद आपको उसे रिन्यू कराना होगा। लैन का फुल फॉर्म फ्रेंड्स बहुत सरल होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसका। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कब लॉन्च हुई, तो फ्रेंड्स इसकी लॉन्च डेट है 1 जुलाई 2015। और हाथ कंगन को आरसी का क्या क्या अर्थ होता है ये पूछा गया था, तो फ्रेंड्स इसका हम लोग बोलते रहते हैं इसका अर्थ लगभग यही होना चाहिए कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। असुर शब्द का विलोम हो जाएगा फ्रेंड्स देव। आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। हेडर और फुटर का क्या यूज़ होता है? सो फ्रेंड्स पेज नंबर लिखने के लिए और हेडिंग या फिर कह सकते हैं विषय टाइटल लिखने के लिए इसका यूज़ होता है। अब ऑप्शन क्या थे उस हिसाब से इसका आंसर वहां पर दिया जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स जो अंडे से जन्म लेता है उसको हम लोग कहते हैं अंडज। उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है फ्रेंड्स अपकर्ष। सो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इससे सभी का फायदा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।